एक बार आपने कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स के बारे में काफी अच्छी तैयारी कर ली, तो उसके बाद एग्जाम के अंदर जो प्रेशर हैंडल करना, वो अपने आप सीखा या कुछ उसमें और टिप्स देना सर चाहेंगे बच्चों एग्जाम को? प्रेशर तो बेसिकली गेट पे ज्यादा रहता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि गेट मैंने 2019 का दिया, उसमें फेल कर गया मैं, और प्रिपरेशन अच्छी थी उसके बावजूद। 2020 का दिया, देन अगेन आई फेल्ड, क्योंकि पॉइंट होता है कि मैकेनिकल में सर सीट्स कम है, तो पहले से ही प्रेशर आ जाता है कि आपको 80 मार्क्स से ऊपर लाने हैं। तो जो एग्जाम प्रेशर है 80 मार्क्स वाला, वो मैं कहूंगा कि वो मेरे को बहुत, उसने मेरा 2 साल ले लिया। उसने प्रिपरेशन अच्छी होती थी, बट मैं आपको 2020 का इंस्टेंस कोट करूंगा कि पेपर चल रहा था और एक वाइब्रेशन का क्वेश्चन आया था 2020 का, तो पुली वाला सिस्टम था, आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी थी उसकी। तो क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया था, तो एक पॉइंट है कि मतलब मेरी गलती, मेरा ईगो बहुत हो गया कि भाई क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा मुझसे। एंड देन मैंने मतलब उस क्वेश्चन में अराउंड 15 से 20 मिनट लगा दी एक ही क्वेश्चन में, गेट जैसे एग्जाम में। एंड देन बाकी एग्जाम फिर उसके कारण खराब हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक क्वेश्चन में रुकना नहीं है, आपने कितना ही पढ़ लिया हो, क्योंकि वो IIT एग्जाम ले रहा है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिस्पेक्ट द एग्जाम फर्स्ट।